प्रेमलता अग्रवाल, आज हमने जो सरकार बनाई कांग्रेस की, रेवंत रेड्डी जी, समस्त हमारे बड़े अधिकारीगण, नेतागण, सबकी मेहनत द्वारा आज हमने जो संघर्ष किया, आज हमने कांग्रेस में हमारी सरकार बनाई। आज हम बहुत खुश है कि 10 साल हमने देखा कि टीआरएस पार्टी क्या करती है, बीजेपी पार्टी क्या करती है। आज जनता को भी मालूम हो गया कि उनका बोलना एक है और करना एक है। जो वायदे उन्होंने किए कोई पूर्ण नहीं किए। उसमें सर्वप्रथम डबल बेडरूम कहकर किसको दिया उन्होंने? सब जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में देखो डबल बेडरूम वैसे ही है, किसी को दिया नहीं उन्होंने। आज राशन कार्ड किसी को नहीं दिया। आज धरनी के नाम पर कितने लोगों की जमीन हत्या ली, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, कई किसान बेरोजगार हो गए। उनको सब्सिडी तो क्या देंगे? आज उनको सही ढंग से जो उनका ब्याज लग रहा था, जो पैसा लेकर काम कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। अब बाद में उसने कहा कि मैं 4,000 रुपये दूंगा। कब कहा? आखिरी में कि 4,000 रुपये दूंगा। तो 4,000 से क्या होता है? किसान लोग कैसा मेहनत करेंगे? किसान लोग को चाहिए दवा, चाहिए पैसा, चाहिए। आज जो ऋण लेते हैं, आज उसकी माफ़ी राजशेखर साहब के टाइम में उन्होंने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गांव की लाइफ देखी। गांव की लाइफ में उन्होंने किसानों को देखकर उनकी जो समस्याएं थी वो पूर्ण की। हमारी सरकार फिर से बनी राजशेखर रेड्डी जी के बाद में, फिर आज से फिर हमारी सरकार बनी। इस सरकार में जो रेवंत रेड्डी जी और हमारे मैनिफेस्टो में सोनिया गांधी जी, राहुल जी, सब ने जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करेंगे। वो वायदे के हिसाब से हर कार्य करेंगे। आज आप देखिए, खजाना खाली कर पूरा खाली कर चले गए। करोड़ों रुपए आज जो डैम के उसमें, करोड़ों इसमें करंट बिल करोड़ों का बाकी, कितना करोड़ों बोलने को भी हमसे यह होता कितने करोड़ है। तो खजाना खाली करके चले गए। अब ये खजाना भरना, खजाने को पूर्ण करना, जनता की समस्या पूर्ण करना, तो उसके लिए जो वायदे किए हैं वो वायदे हम पूर्ण करेंगे। रेवंत रेड्डी जी या जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैं हार्दिक बधाई दूँ। आज क्रिसमस के दिन रेवंत, समस्त जनता को भी क्रिसमस की बधाई देती हूँ मैं। और हमारे जो नेतागण, उनमें इंचार्ज हमारे मानिकराव ठाकरे और दूर दूर से आए सो हमारे मिनिस्टर्स, सब मिलकर जो कार्य किया है, CM वगैरह ने जो काम किया है जनता के लिए, जनता को समझाया, उनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सब करेंगे, आपकी सब दूर करेंगे। सर्वप्रथम जो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि बस फ्री करेंगे, उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है। उन्होंने सिलेंडर के लिए कहा कि हम सिलेंडर 500 में देंगे, जबकि KCR कहता है कि मैं 400 में दूंगा कहता है। और अब उसका बेटा मुख्यमंत्री जी पूछता है उनसे कि तुम 500 में कैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? जब तुम 400 में देने को तैयार थे, जब कुछ नहीं, आज हम 500 में दे रहे तो कहाँ से लाएंगे कहते हैं, सिलेंडर का कहाँ से करेंगे आज 2,000 इलेक्शन में जनता में दे, किसका पैसा? गवर्नमेंट का पैसा ही दिए ना, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गरीब जनता को भटकाने के लिए 2,000 रुपये दिए। उनका हक नहीं था ये, फिर भी उन्होंने इसको गलत तरीके से अपनाया। ये कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट उनकी है तो मनमानी नहीं करना था। खजाना खाली करके चले गए, लेकिन अब हमको इसको भरना है। भरना क्या, जो भी समस्याएं हैं जनता की वो पूर्ण करना है हमारे को। आज 500 रुपये में सिलेंडर जो हम देंगे, वायदा करें 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। और जो धरनी है, धरनी हटाएंगे, धरनी हटाकर जो खेत का है, खेत में सब्सिडी भी देंगे और उनके का पासबुक भी देंगे और उनकी हक की ज़मीन वो भी उनको देंगे, ये हम वायदा करते हैं। मैडम, तुम्हें और न्यू ईयर
दोनों भी उनको हार्दिक बधाई, और उनमें एक भगवान से ये कहना चाहती हूँ कि सबका न्यू ईयर अच्छा निकले। हर ये जैसे ये साल में मुख्यमंत्री जी बने, वैसे जनता का भी हर नया साल अच्छा निकले, उसके लिए भी उनको मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारी जनता की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, बड़ी नहीं, आज वो पूर्ण करेंगे। आज गैस सिलेंडर का रहने दो, आरोग्यश्री में रहने दो, उन्होंने जैसे आरोग्यश्री में इसका ऑपरेशन होता है हार्ट का, इसका 10 लाख देने का वायदा किया, और महिला पेंशन 2500 देने का वायदा किया है। सब पूर्ण कर रहे हैं, एक एक चीज़ पूर्ण हो रही है, वो चीज़ कर रहे हैं। और जो इंद्रामा आवास जो इन्होंने डबल बेडरूम कहा, कहाँ है वो डबल बेडरूम? डबल बेडरूम किसको नहीं दिया, लेकिन राजशेखर रेड्डी जी के टाइम पे इंदिरा आवास, इंद्रामा आवास बहुत दिए थे। उसी तरह हमारे रेवंत रेड्डी जी कहते हैं, और उनका पूरा ग्रुप कहता है, कैबिनेट पूरा कहता है कि हम हर जगह इंद्रामा आवास देंगे और राजीव आरोग्यश्री देंगे। इंद्रामा जी के ऊपर ही पूरा काम करना है, राजीव जी के ऊपर पूरा काम करना है, सोनिया जी को उनकी याद दिलाकर राजीव जी का सपना पूरा करना है, इंद्रामा जी का जो महिलाओं के लिए सपना था वो पूर्ण करना है। इंद्रामा जी और राजीव जी जो देश के लिए उन्होंने त्याग किया, अपने उनके बेटे का भी इसमें बलिदान होगा, इंदिरा जी का भी होगा, आज उनका बेटा भी एक उसमें चलेगा, एक नहीं दो दो बेटे उनके चले गए, आज उनका परिवार क्या करेगा। आज स्वतंत्रता दिलाने वाली है हमारी कांग्रेस पार्टी है, फिर इस कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि तुम 10 साल में क्या करें। हम 10 साल में कुछ करें नहीं करें, लेकिन आप क्या करें 10 साल में। आज फिर भी सोनिया जी सामने आके, राहुल जी को सामने ला के सब कार्य, जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को पूर्ण करने के लिए वो लोग आ गया है। राशन कार्ड 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसके पुराने राशन कार्ड है वो भी ले लेंगे, उनको नया कार्ड देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे से छोटा मनुष्य, बड़े से बड़े, सबको राशन कार्ड मिलेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। जय कांग्रेस।